इस क्वेश्चन को आपको देख के लगना चाहिए कि हम लोग कैसे एडजस्ट किया जाए या फॉर्म अपीयर होनी चाहिए आपको, है ना। देखिए यहाँ पे साफ साफ कि ये जो भी है आपके पास एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 का 0 हो जाएगा और 3x³ का आ जाएगा 9x². खैर आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो देखिए ये कौन सा फॉर्म है। अगर इसको हम थोड़ा सा और क्लियर लिखें ताकि आपको नज़र आए, 2 + 3x³⁻³, है ना, ऊपर न्यूमरेटर में ले गए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो फॉर्म देखिए, अगर ये एफ एक्स है आपका, तो ये एफ डैश एक्स से थोड़ा थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, कितना चाहिए हमें, 9x² इसका एफ डैश एक्स आएगा। तो यहाँ 9 से हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई, और 9 से क्या कर लें, डिवाइड। तो ये फॉर्म सीधे सीधे अपीयर हो गई, एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स, तो उसका सीधा वो स्टैंडर्ड वर्जन है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n+1 / मतलब x की पावर n का जो आप इंटीग्रल करते हो, ये उसी तरह से हो जाएगा, मतलब -3+1 / -3+1, और -3+1 मतलब -2, तो ये हो जाएगा आपका -2, नीचे भी -2, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, अपॉन का कोई मतलब नहीं बनता है, और एक इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। अच्छा ये -2 है तो इसको आप रेसिप्रोकेट करके नीचे ले जा सकते हो, है ना। तो ये हम चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, 1/18, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2 + 3x³², दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये तो एडजस्ट करके हो गया। इसी क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से अगर हम प्रोसीड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यही चीज़ जज करनी पड़ती कि कौन किसका डेरिवेटिव है। तो हम क्या करते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर में 2 + 3x² है, इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम लेट करते कि 2 + 3x³ को टी एज्यूम करते हैं ना। इस एक्सरसाइज में या इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही प्रॉब्लम होती है कि किसको टी एज्यूम किया जाए, है ना। तो वो जब तक आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं डील किए हो तब तक आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना। तो आपको पहले इस तरह से क्वेश्चंस डील कर लेने चाहिए, फिर बाद में आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तब आपको पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तब आपको आइडिया लगेगी। खैर तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x² dx = dt हो जाएगा, मतलब x² dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को ट्रांसलेट करिए आपके डमी वेरिएबल टी में, तो x² dx को हम क्या लिख दें, dt/9, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए dt/9। ठीक है, उसके बाद जो नीचे है 2 + 3x³, उसको आपने t माना ही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, t³ हो जाएगा, तो 1/t³। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए 1/9, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इट कुड बी रिटेन एज ए t⁻³dt। अब देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, x⁻n वाले फॉर्मूले से डील हो जाएगा ये, तो 1/9 और t⁻³+1 / -3+1 + c, और -3+1 आपका क्या हो गया, -2 हो गया, या -2 नीचे भी आपका -2 हो गया। अच्छा ये माइनस यहाँ आएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हटाते हैं, 2 × 9 = 18, ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 × 9 = 18 हो गया। अच्छा t⁻², 1/t² हो जाएगा, वो भी कर देते हैं 1/t², ये तो आपका फाइनल, ठीक है, इंटीग्रेट हो गया। लेकिन समस्या ये है कि टी में आंसर तो हम छोड़ेंगे नहीं, टी हमारा डमी वेरिएबल है, किसी का यू हो सकता है, किसी का वी हो सकता है ना, तो आप इस टी को हटाइए। तो इसका कनेक्शन आपने यहीं पे दिया था, है ना, कि आपका 2 + 3x³ है टी, तो टी की जगह पे हम वो रख दें, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, जो उनके वेरिएबल में जो क्वेश्चन दिया गया था, दैट कुड बी रिटेन एज ए -1/18, 1/t की प्लेस पे रख देते हैं हम लोग 2 + 3x³, और स्क्वायर तो लिखेंगे, स्क्वायर तो था ही, और प्लस ये आपका इंडेफिनिट कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये मेथड आप सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो गया।